ऊर्जा प्रदेश में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा परियोजना से विकास की इस नई ऊर्जा ने युवाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार तो खोले ही हैं। ये पलायन रोकने और राज्य को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा देने में भी कारगर होगी। सोलर ऐसी स्कीम है जो सरकार ने निकाली है, बहुत अच्छी स्कीम है। और जहाँ तक मैं अपना बिजनेस छोड़ के नोएडा से और यहाँ पे आया हूँ, ये बहुत अच्छा फील्ड है। ये बहुत अच्छा है, इस पर आगे पलायन रोकने के बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। सरकार के से धन्यवाद करूँगा मैं। ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहाड़ों पे लगे। मैंने पौड़ी गढ़वाल में ग्राम रेगी में 1200 किलोवाट के 3 प्लांट लिए हैं, जिनमें कि आजकल कार्य चल रहा है। इसमें 20 आदमियों को रोजगार मिल रहा है। यह एक इको फ्रेंडली योजना है। यह योजना उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 283 उद्यमियों को 800 करोड़ के सौर ऊर्जा प्लांट आवंटित किए हैं। इनसे 202 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। जो परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, उनमें अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 10, चंपावत में 2, चमोली में 10, देहरादून में 21, नैनीताल में 36, पौड़ी में 67, टिहरी में सबसे ज्यादा 77, पिथौरागढ़ में 1 और उत्तरकाशी में 23 प्लांट शामिल हैं। सोलर एक ऐसी एनर्जी है, एक तो जो सस्टेनेबल है, जो सदैव है, तो उससे हमारे को जहाँ हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, लगभग हम 1000 करोड़ की बिजली नेशनल ग्रिड से हम खरीदते हैं, वो निर्भरता भी हमारे कम, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य को अच्छा राजस्व मिलेगा। सौर ऊर्जा की इन परियोजनाओं से 850 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ साथ प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 303 मििलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अखंड विकास की ओर उत्तराखंड।